18 महीने में जब 10 लाख इंसान खर्च कर सकता है तो इनकम भी बहुत होता है। इतना आप लोग मोटिवेट हो जाए इसी। हे गाइस, आप में से काफी सारे लोग बिजरिया ब्लॉग्स को तो जानते होंगे, जो कि ये दोनों क्यूट कपल है और इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत 15 जनवरी 2022 को की थी। और अगर मेरा चैनल और इसका चैनल को कम्प्रोमाइज किया जाए तो हमने अपना चैनल 26 जनवरी 2022 को ओपन किया, जबकि इन्होंने अपना चैनल 15 जनवरी 2022 को ओपन किया। यानी कि ये एक साल तक रेगुलर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते रहे और हमने एक साल तक रेगुलर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए, और इसी चीज के कारण ये एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए और मैं इनसे काफी पीछे रह गया। यहाँ तक कि ये एक महीने में अपने यूट्यूब चैनल से 4 से 5 लाख रुपया कमा लेते हैं, और जबकि मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ। तो मनोज ने अपने मैन चैनल पर विजय व्लॉग्स को इंटरव्यू लिया, जिनसे पूछा गया कि जिस तरह आप अपने चैनल से इतना अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं, उसी तरह अगर सौरभ जोशी को देखा जाए तो सौरभ जोशी का हर एक वीडियो पर 4 से 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। सौरभ जोशी अपने YouTube चैनल से महीने के कितने लाख रुपया कमाते होंगे? तब बिजरिया ब्लॉग्स ने क्या कहा, आप देखिए उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप। जब आपका 2-2 लाख व्यूज आ रहा है, हाँ। आप इतना लाखों में आज के डेट में कमा रहे हैं, ठीक है, लाखों में ही हम सीधा इनडायरेक्टली बता देते हैं, हाँ। तो सौरभ जोशी कितना कमाता होगा सोचिए। देखिए, अगर 5-5 मिलियन पर अगर हम अगर बता देना, मतलब मेरा आंकड़ा से, मेरा चैनल के हिसाब से, तो हर एक मंथ 80 से 90 लाख कहीं जाता है। 80 से 90 लाख रुपया सौरभ जोशी आज के डेट में कमा रहा है ना। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि सौरभ जोशी अपने YouTube चैनल से एक महीने में 80 से 90 लाख के बीच में कमाते होंगे या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ गाइस, आप भी एक YouTube चैनल स्टार्ट कर दो भाई, बहुत पैसे हैं YouTube पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बस एक सेकंड ही तो लगता है आपका, एक सेकंड से मैं अंदर से मोटिवेट हो सकता हूँ। अब मिलते हैं नए किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।